कभी एक पत्नी अपने पति को जिंदगी में जो सबसे बड़ी खुशी दे सकती है, आज वही खुशी मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे में दे रही हूं। तुम्हारे सामने आकर तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं चिट्ठी में लिख रही हूं, भगवान ने मेरी गोद भर दी है, तुम बाप बनने वाले हो। बाप? हाँ। इतनी दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, दूर कहाँ, लोगों का कहना है कि जब दिल मिले हो तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे और हमारे दिल तो मिले हुए हैं। बत्ती बुझा दो। बत्ती? हाँ, हमारी परछाई नीचे नजर आती होगी। नहीं 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 नहीं, बत्ती मत बुझाइए, मैं यहाँ इसलिए थोड़ा आया हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो हिसाब किताब लिखना। हिसाब किताब? तुम बाहर चले जाते हो, मैं तुम्हारे इंतजार में एक एक पल एक एक मिनट कितनी मुश्किल से गुजारती हूँ, और आते ही हिसाब करने बैठ जाओगे। तुम्हें मेरे दिल का, मेरे जज्बात का जरा भी एहसास नहीं? नहीं है, है लेकिन वो क्या है कि... रविंदु हाय हाय, 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 ये अच्छी खासी हड़ताल कर रखी इन लोगों ने, और सच्ची है मैं आराम से यहाँ ऊपर सोऊं और वो लोग वहाँ नीचे मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ते रहें, ये तो ठीक नहीं है, ये तो जुल्म है। मेरे ख्याल में मुझे भी वहाँ नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खामोश, मैं आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं। और एक खुशखबरी भी सुनानी तुम लोगों को। सच मुझे बड़े शर्म की बात है कि मैं अंदर आराम से सोऊं और तुम लोग यहाँ बाहर खुली हवा में सो जाओ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक लड़कियां घर में हैं तब तक न मैं अंदर जाऊंगा ना तुम लोग अंदर जाओ। आओ रवि, तुम्हें खुशखबरी भी सुनाने वाले थे ना, वो क्या है? हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया, तुम सब लोग चाचा बनने वाले हो। जानते हो, इस घर में जब मैं पहली बार आई थी ये घर घर नहीं था, पागल खाना था, पागल खाना। पहले दिन तो इस घर की सफाई करते करते मैं खुद पागल हो गई थी। इन भाइयों का खाने का घर कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या है, अंदर कैसे आ गए? भाभी क्या है कि वो सर्दी बहुत है ना। सर्दी है? मुझे कमल मिलेगा? वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी, ये बहुत सर्दी लग रही है क्या आपको? देखिए ना, अब सर्दी आराधना जी आई। सोम आउट। हाँ, मैं कह रही थी कि इन भाइयों का खाने का ढंग। अब कौन है? मैं। क्या चाहिए? अभी वो लड़की। लड़की? मेरा मतलब लकड़ी काटते हुए एक टुकड़ा घुस गया। ओ, दवा का डब्बा चाहिए? जी, अंदर आके ले लूं? नहीं, वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप दवाई का डब्बा देंगी ये तो ठीक बात है, आप बैठिए मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देती हूँ। चलो चलो बाहर। अच्छा, ये बात है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? भाभी वो प्यास लगी थी, पानी मिलेगा? पानी? हाँ, अंदर।
अब अगर तुम लोगों में से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर ले जाकर कुएं में ढकेल दूंगी। सारी जिंदगी पानी पीते रहोगे, समझे? चल फुटो यहाँ से। कोई मुड़कर भी देखेगा तो टांगे तोड़ दूंगी। चल चल चल, कुएं का पानी पीने। आज क्या लाए हो? ये तो हालत है, घर का घर बिगड़ा हुआ है, किस किस को सुधारती फिरूंगी। गलती कर रहे हो, इंदु ऊपर कमरे में सो रही है। मैं समझा शायद यही है, माफ कर दीजिएगा। क्या बात है? अरे ये जिज्जा जी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको भी सर्दी लग रही है, कंबल मांगने आए थे मगर गलत कमरे में और गलत लड़की से मांग रहे थे। लगता है सोडे की बोतल की तरह जोश खत्म हो गया है। तुम रवि को खत्म क्यों नहीं कर देते? उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। नहीं, रवि का जिंदा रहना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे बाबू सीमा को खत्म करके यहाँ आ जाएगा, मैं रवि को उसके फार्म पे पहुंचा दूंगा और सीमा के खून का इल्जाम रवि पे आ जाएगा। आप इंदु जी तो यहाँ नहीं है, वो बाहर होंगे। क्या बात है, आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए आप, आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुक जाइए वहीं पर, रुक जाइए। बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो तुम्हें क्या चाहिए?
सीमा, ये सब क्या हो रहा है? ये सीमा, तुम कुर्सी से उठकर यहाँ कैसे आ गई? तुम चलने फिरने कैसे लग गई? अरे ये तो अपने रवि का कमाल है। देख, इतना बड़ा चक्कू लेकर उनको डराने गया था और वो डर के मारे कुर्सी से उठ के भाग गई। वाह, मान गए। ये तो रवि भैया ने चमत्कार कर दिया। मैं तो समझी थी कि सीमा सारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। क्या बात है रवि, जवाब नहीं तुम्हारा। कसम से आज तक हम तुम्हें सिर्फ प्यार करते रहे, लेकिन आज आज हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। तू रोती क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तू जहां चाहे अपने पैरों से चल फिर सकती हो। आज से कुर्सी की मोहताजी खत्म। अब तू भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे भी ऐसे ही पति मिले जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर दे। मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जिंदगी देने आए थे और मैं समझी थी तुम मेरी जान लेने आए थे। तुम्हारा ये एहसान, ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। तुम इंसान नहीं, देवता हो, फरिश्ता हो। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। इस घर पर आने वाली मुसीबत भगवान करे मुझ पर आ जाए, लेकिन ये घर कभी उजड़ने ना पाए। हमेशा सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, सारे दुख हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी तरफ कोई तकलीफ पड़ने से पहले मुझसे टकराइए। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम तक कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा, कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। सिर्फ क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? बात तो सही। अरे बात क्या, मुझे बताओ तुम। ओहो, आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाँ, आज के दिन सुहागनें अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान उनके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं तो एक मुजरिम हूं।